हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह आ गई हूँ टिप्स और जानकारी लेके, जिसको देखने के बाद आपके पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी, आपके काम आसान बनेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना देर के हुए जल्दी से बताना शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप, सबसे पहले हमने नींबू के छिलके लिया है जो कि हम फेंक देते हैं। इसको यूज़ करने के बाद हमने फ्रिज में रख दिया था, इस तरह से हमने इकट्ठा कर लिया है। अब पैन को चढ़ा दिया है, गैस को ऑन कर देंगे, इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे। फिर हम नींबू के छिलके को डालेंगे और इसको इस तरह से देखिए, इसमें आधा नींबू हमने डाला है जो कि उसको 6 टुकड़े काट कर डालूँगी, क्योंकि थोड़ा सा नींबू भी होना चाहिए, क्योंकि अच्छा सा फ्लेवर आए छिलकों के साथ, थोड़ा सा रस भी रहे। अब इसमें अच्छा सा उबाल आएगा, जैसे ही उबाल आएगा गैस को हम ऑफ कर देंगे। गैस बंद करके इसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में इसे डाल देना है और इसका अच्छा सा फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट हमने तैयार किया, उसके बाद हमने एक छलनी ली है जिससे छान लेंगे, मोटे मोटे कण इसमें आ जाएंगे। इसको हमें बाहर फेंक देना है, निचोड़ करके कचरे में डाल देना है। हमारा जो लिक्विड है, जो भी हमें ज़रूरत है, सारा फ्लेवर इसमें आ गया है पानी में। इस तरह से देखिए तैयार है। अब इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि आधा चम्मच बेकिंग सोडा जो क्लीनिंग का काम करता है, उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच विम जल, जो कि 2 चम्मच विम जल डालने के बाद इसे मिक्स करना है। अब इससे आपकी बहुत सारी बचत होगी। 2 चम्मच विम जल से आप 1 महीने तक बर्तन इस तरह से इसे धुल सकते हैं। ये काफ़ी, इस तरह से हमें बोतल में भर कर रख लेना है। आप इससे बर्तन धुलेंगे, आपकी पैसे की बचत इस तरह से होगी कि 2 चम्मच विम जल से आप काफ़ी दिन तक बर्तन को धुल पाएंगे। उसके बाद आप इसे बेसिन को भी साफ कर सकते हैं, टॉयलेट को भी इससे क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है, ये क्लीनिंग का बहुत ही अच्छे से काम करता है। आप इसे फर्श भी साफ कर सकते हैं, जैसे किचन में छींटे आते हैं तेल के, तो उसको भी आप इससे क्लीन करेंगे तो बहुत ही अच्छे से साफ होगा। तो बर्तन को देखिए, इस तरह से बर्तन धुलने से आपकी काफ़ी बचत होगी, क्योंकि जब हम 2 चम्मच विम जेल और छिलके इस तरह से जब यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप जब यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पैसे की बचत होगी। थोड़ा सा विम जेल लेके इस तरह से जब हम घर में बनाकर रख लेते हैं लिक्विड, तो हमारी काफ़ी बचत होती है और हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जब हम अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे यूज़ करते हैं तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, घर में बनाकर ज़रूर रखें, आपकी काफ़ी बचत होगी। और अगली टिप है, जैसे कि चद्दर तो सब घर में यूज होते हैं, तो चद्दर जब पुराने होते हैं उनकी पिल्लो कवर जो होती है उनको हम फेंक देते हैं, क्योंकि वो कहीं इधर सिलन खुल जाती है या कहीं फट जाती है, या नहीं फटी होती तो उसका जोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से पुरानी पिल्लो कवर को लेना है आपको, जो कि पुरानी हो, फेंकने वाली हो। और इस तरह से हमने एक पोलोथीन लिया जो कि जियो की है, जो कि मोटी होती है, काफ़ी मोटी होती है। तो इस तरह से इसको डाल देना है और अच्छे से एडजस्ट कर देना है चारों तरफ, क्योंकि कहीं सिकुड़न रहे या कहीं की गांठ वगैरह ना बने, अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आप इसमें सिलाई मार सकते हैं, मशीन से सिलाई कर सकते हैं, तो ये अच्छे से मजबूत हो जाएगी। मैं इसको आलपिन लगाऊंगी, इस तरह से आप एक एक टाँके भी लगा सकते हैं, तो जिस तरह से अच्छा लगे। अगर आप टाँके मार देते हैं तब भी इस तरह से भी आप काम चला सकते हैं, क्योंकि आलपिन लगा कर रख दीजिए, काफ़ी यूजफुल है। इसे आप कई जगह से यूज कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए, अच्छे से एडजस्ट कर लेना है ताकि मतलब अच्छे से एडजस्ट हो जाए, ये अच्छा लगे, देखने में भी खूबसूरत लगे। इस तरह से हमने नीचे की तरफ पिन अच्छे से लगा दिया है चारों तरफ। अब चलिए बताते हैं इसको यूज कहाँ पे करना है। इस तरह से देखिए, ये तैयार हो गया है। इसको अगर आप सिलाई करते हैं तो फुट मैट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। डबल जैसे कि टॉयलेट के बाहर रख दीजिए या बाथरूम के बाहर, तो इसमें पानी पूरा सोख कर लेगा। मैं इसको यूज़ करूँगी बर्तन इस तरह से जहाँ पर धुलते हैं स्लैब पे, तो पानी अक्सर गिरता है नीचे, या कि टोकरी में रखते हैं तब भी गिरता है। तो इस तरह से मैं देखिए रख रही हूँ, इसमें पानी क्या है सोख कर लेगा और बिल्कुल भी पानी बहकर बाहर नहीं आएगा, ये गीला हो जाएगा। उसके बाद इसे सुखा लीजिए, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये इसका अलग तरीका है, मैं डबल कर रही हूँ इस तरह से, देखिए यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं डबल करके। सिंगल जहाँ पे आप बर्तन धुलते हैं तो वहाँ पे पानी काफ़ी गिर जाता है, इस तरह से आप जब रखते हैं तो आपके ऊपर पानी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे कपड़े
कपड़े गीले हो जाते हैं, तो इस तरह से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको डबल करके रखूँगी और इसके ऊपर मैं टब रखूँगी, जो कि टब के नीचे इस तरह से दाग लग जाते हैं, तो इस पर रखूँगी तो हमेशा ड्राई रहेगा। अगली टिप है, लोहे के बर्तन में खाना बनाने से लोग डरते हैं क्योंकि ये साफ नहीं होता है। इसे साफ करने के लिए काफ़ी आसान है। एक छोटे से नींबू का टुकड़ा लेना है इस तरह से, और इसको इस तरह से गर्म करके, हल्का सा गर्म करके इस तरह से आपको घिस देना है। ये नींबू जहाँ जहाँ पे टच होगा वहाँ पे बिल्कुल सफ़ेदी करता जाएगा इस तरह से। अब इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको इतना आसान लगेगा कि लोहे के बर्तन ही यूज करेंगे, कढ़ाई हो, तवा हो या कोई भी चीज़ हो, ये बहुत ही अच्छे से, एक तो कितना सुंदर लगता है जब ये सफ़ेद हो जाता है। तो मैं अपने तवा को, कढ़ाई को हमेशा सफ़ेद रखती हूँ। इस नींबू की आइडिया से छोटा सा टुकड़ा लेती हूँ और इस तरह से खींच देती हूँ। उसके बाद हल्का सा इसे मांझ दीजिए या धुल दीजिए, कैसे भी आप पानी से भी धुल सकते हैं। मैं हल्का सा साबुन लगाती हूँ और धुल देती हूँ, उसके बाद ये बिल्कुल चमक जाता है। इस तरह से देखिए, मैंने साबुन हल्का सा लगाया और धुल दिया, ये देखिए। अब इसे आप सुखा भी सकते हैं, सुखा कर रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, पंखे में, कैसे भी इसका पानी पोंछ कर रख दीजिए, ये बिल्कुल भी ऐसे ही रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। अगली टिप्स है, जिस तरह से देखिए, मिक्सी जार, जैसे कि हम मिक्सी को जब जार को धुलते हैं तो ये सूखता नहीं है, तो इसको आप तवे पे इस तरह से जब भी रोटी बनाएं उसके बाद आप रख देते हैं तो आपका मिक्सी का जार बहुत ही अच्छे से सूख जाता है, तो ये हमारा काफ़ी अच्छे से काम करता है, ख़राब होने का डर नहीं रहता। अगली टिप है, जैसे कि हम ब्लू लगाते हैं कपड़ों में तो उसके दाग धब्बे लग जाते हैं या कुछ भी अच्छे से नहीं लग पाता है, कहीं ज़्यादा हो गया कहीं कम, तो आप जब भी ब्लू डालें, ब्लू हमने डाल दिया पानी में, और उसके बाद नमक ज़रूर डालें। एक चम्मच नमक जब हमने डाला, अब इसमें मैं कपड़े डालूँगी तो कहीं भी ब्लू जो होगा बिल्कुल भी कपड़ों में इधर उधर नहीं लगेगा, हर जगह बराबर लग जाएगा, अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो आप ब्लू में जब नमक डालते हैं तो बिना टेंशन के आप किसी भी कपड़े में ब्लू डाल सकते हैं, बस आपको कितना डार्क ब्लू चाहिए या लाइट ब्लू, तो आप उसी हिसाब से थोड़ा डार्क या लाइट कर सकते हैं। मैं थोड़ा लाइट पसंद करती हूँ तो इसलिए हमने थोड़ा सा कम डाला है, आपको डार्क पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल करके देखिए इस तरह से यूज कीजिए। मैंने कपड़ों को जब निकाला, हल्का सा ब्लू है लेकिन कहीं भी आपको दाग धब्बे इसके नहीं दिखेंगे, चारों तरफ अच्छे से ये फैल गया है, अच्छे से लग गया है, क्योंकि इसमें नमक पड़ा था। नमक क्या करता है, कलर को बहुत ही अच्छे से घुल मिलकर उसको सेट कर देता है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही अच्छे से लग चुका है। तो जब भी आप ब्लू लगाएं कपड़ों में तो नमक ज़रूर डालें। कैसी लगी हमारी टिप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह से हमने देखिए, अगली टिप है, जैसे कि मैं कपड़े धुल रही हूँ बाथरूम में, तो सर्फ डाल दिया बकेट में और पानी डाल दिया है, और इस तरह से मैं कपड़े को भी डाल दूँगी। कपड़े को डालने के बाद कपड़े धुल लूँगी और धुलने के बाद कपड़े निकाल लेना है। उसके बाद इस तरह से जब हम कपड़े को निकालते हैं, कपड़े को धुलते हैं, उसके बाद आपके सर्फ जो बकेट होती है उसमें सर्फ की काफ़ी पानी में सर्फ रह जाता है। कितना भी हम अच्छे से यूज करें, कितना भी कपड़ा धुलें, इस तरह से देखिए हमने सर्फ को कपड़े निकाल लिया है, अब ये सर्फ वाला पानी बच गया है। अब इसको आपको टॉयलेट में डाल देना है इस तरह से, क्योंकि टॉयलेट में बोलते हैं 365 कीटाणु रह जाते हैं जब आप साफ़ करते हैं, या टॉयलेट डेली जाते हैं तो उसके बाद इसमें कीटाणु रह जाते हैं। तो रोज़ रोज़ तो हम टॉयलेट को साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन इस सर्फ के पानी को हम डेली कपड़े धुलते हैं तो डेली पानी को डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं रोज़ टॉयलेट में कपड़े वाला पानी लास्ट वाला डाल देती हूँ, उसके बाद ऊपर से साफ पानी डाल देती हूँ, तो टॉयलेट पूरे हफ्ते हमेशा क्लीन रहता है। इसमें जो कीटाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं। तो आप छोटी छोटी टिप्स को अपना कर अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी और कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही, अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।